मैजिकल मेकअप सेल पर है। मुझे माफ करना फिशी, मैंने इसे पहले देखा। मैं देखूं तो कि मेरे मनपसंद चैनल पर नया क्या है। ये यहाँ पर एक वीडियो है, मरमेड और फेरी के कंपटीशन मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। पानी में कुछ चमकीला है, ये समुद्र की राजकुमारी के लिए एक नया नीला आई शेडो है। एक खाली मेकअप पैलेट ले, मरमेड की आकृति स्पार्कली फोम पेपर में से काटे उसके ढक्कन में फिट करने के लिए और फोम पेपर को शीशे पर लगा दे। शाइनी ब्लू फोम पेपर पर फिशटेल के स्केल्स को ट्रेस कर ले बीच में इक्वल गैप बनाते हुए। इसे मॉडलिंग चाकू से काट ले, फ्रेम के सामने इन स्केल्स को चिपका दे और फोम पेपर को पैलेट से लगा दे। लूज आई शेडो इन सेल्स में डाल दे, कुछ ड्रॉप रबिंग एल्कोहल डालें और इसे सिलिकॉन के मॉडलिंग टूल से कॉम्पैक्ट कर दें। बाकी सेल्स में रंगीन ग्लिटर जेल डालें। दो रंग के फोम पेपर वेव्स को पैलेट के ऊपर लगा दें। इसे सीशेल के शेप के सीक्वेंस से सजा दें। इन सब बढ़िया रंगों को देखो, एक पूरे शेड्स का समुद्र। ये मेरी आंखों को एम्फसाइज करेगा और मैं सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करूंगी शिप्स को दिखाने के लिए। और फेरी जादुई जंगल में घूम रही है। ये घास में क्या छिपा हुआ है? स्पेक्टेकुलर फ्लावर्स ब्राइट पॉलन ग्रो जंगल में। सिलिकॉन के फ्लावर शेप मोल्ड के नीचे का हिस्सा काट दें। इसे खाली पाउडर कॉम्पैक्ट के साथ अटैच करें। पेटल्स में आई शेडो डालें और कुछ ड्रॉप रबिंग एल्कोहल डालें। इसे कॉम्पैक्ट कर लें, सारी सेल्स फिल कर दें। फूल के बीच का हिस्सा कुछ चमकीली हॉट ग्लू के ड्रॉप्स के साथ सजाएं। ग्लिटर पेपर से एक फूल काट ले जो मिरर में फिट हो जाए और फ्लावर फ्रेम को लगा दे। इसके ऊपर व्हाइट ग्लू लगाएं। और कुछ नकली घास लगा दे। फेरीज को रोज स्पार्कली पॉलन चाहिए होते हैं, इसलिए मैं अपना फूल छुपा दूंगी। हे पेड़, क्या तुम मेरे मेकअप का ध्यान रखोगे? और ये किसी को मत देना, जादुई पॉलन विंस। और फेरी का आई शेडो ये पॉइंट जीत जाता है और स्कोर है 1-0। सनबाथिंग बहुत अच्छी है। और ये क्या है? समुद्र की भूतनी का मिस्टीरियस बॉक्स। और चलो भी खुल भी जाओ, क्या इसमें कोई खजाना है? ओ, ये तो शिमरी हाइलाइटर है। कोकोआ बटर को ग्रेट कर लें, इसे माइक्रोवेव में पिघलाएं, इसे क्रश्ड हाइलाइटर के साथ मिक्स कर लें। सीशेल मोल्ड में इस मिक्सचर को डाल दें। हाइलाइटर के हर रंग को अलग कंटेनर में मिक्स करें और अलग अलग सीशेल मोल्ड्स को फिल कर दें। हाइलाइटर्स को फ्रीजर में रख दें। सुनहरे और नीले एक्रेलिक पेंट से इस स्पॉट को रंग दें और ढक्कन के पेरीमीटर पर इस ज्वेलरी चेन को लगा दें और कोरल को सजावटी हैंडल की तरह लगाएं। सख्त सीशेल डाल दें। चलो कुछ सीशेल ग्लो लगाते हैं। मैं पानी के नीचे भी शाइन करूंगी और अब मैं टैन ले रही हूँ। ये जादुई जंगल में कितना बढ़िया फूल उग रहा है। और ये है गुलाबी हाइलाइटर, बस फेरी की स्किन के लिए। कोकोआ बटर 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करें।
क्रश्ड हाइलाइटर डालें। इसे अच्छे से मिला लें। मिक्सचर को सिलिकॉन रोज मोल्ड में डालें और इसे रेफ्रिजरेट करें सफेद एक्रिलिक पेंट में। इसके आधे दिल को कोट करें। नकली रोज पेटल्स को बीच में लगा दें। अब सख्त हाइलाइटर इसमें रखें और दिल के दूसरे हिस्से से इसे कवर कर दें। ये जादुई फूल आपकी त्वचा को ग्लो देगा। और फेरी का ये रोज ये राउंड जीत जाता है और स्कोर है 2-0। मैं इस रोज मेकअप को किससे लगाऊं? और यहाँ एक बढ़िया फूल। एक चॉपस्टिक को काट ले और टूटे हुए मेकअप ब्रश से एक पीस को लगा दे और दूसरे पीस को एंगल पर लगाएं। रोज टॉक को आकार देने के लिए हॉट ग्लू लगाएं। ब्रश के मेटेलिक पार्ट पर बर्ड का आकार दें और हॉट ग्लू से थॉर्न्स लगा दें। एक्रिलिक पेंट से स्टॉक को कवर कर दें। क्या प्यारा फूल है! क्या तुम मेरी हाइलाइटर लगाने में मदद करोगे? फूल तो फेरीज के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वहाँ क्या तैर रहा है? इधर आओ फिशी। ओ, ये एक अंडर वाटर मेकअप ब्रश है। मेकअप ब्रश के हैंडल को सफेद पेंट करें। चमकीली वाली हॉट ग्लू से एक फिश टेल का आकार दें और ग्लू गन की हीटेड टिप से इसकी शेप को इवन करें। इरिडेसेंट प्लास्टिक से फिन्स को काट लें। इसे ब्रश के हैंडल से लगा दें। चमकीली वाली हॉट ग्लू से विंग्स और आउटलाइन को डिफाइन करें। हैंडल पर नॉचेस लगाएं। मॉडलिंग नाइफ का इस्तेमाल करें। फिश स्केल पैटर्न बनाएं और इसे राइनस्टोन से सजाएं और इसकी पूंछ पर टर्कोइज एक्रिलिक पेंट करें। ये अंडरवाटर क्रिएचर्स बहुत रेयर है। ओ, ये टिकल भी करता है। ये फिश ब्रश तो बहुत सॉफ्ट है। मैं इसे आजाद कर दूंगी। घर जाओ। और मरमेड के फिश ब्रश ने उसका पॉइंट दिला दिया और स्कोर है 2-1। क्या बढ़िया दिन है, लेकिन ये थोड़ा गर्म है, पर ये मुझे चमकने से नहीं रोक सकता। मैं हॉट हो रही हूँ, मुझे कुछ जूस पीना चाहिए। हे, एक मिनट रुको। होली जेलीफिश, ये क्या चल रहा है? मैं हिल नहीं पा रही। ये क्या दोबारा समुद्र की भूतनी की गलती है? मेरी मदद करो, वीडियो किसने रोक दी? फ्यू, देखते रहो। और हाँ, ये बेहतर है। और चलो अब टैनिंग और ग्लोइंग के लिए एक प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। अलग अलग कंटेनर में बेबी ऑयल और पानी डालें। अब ऑयल में बॉडी ब्रॉन्जर डालें और इसे अच्छे से मिला लें। गुलाबी पर डस्ट को पानी में डालें और आपके फेवरेट परफ्यूम के कुछ ड्रॉप्स डालें। दोनों मिक्सचर को स्प्रे बॉटल में डालें। अब ऑयल की लेयर ऊपर आ जाएगी और इस मिक्सचर को टू कलर्ड बना देगी। एक लेबल लगा दें। इस्तेमाल करने से पहले इसे शेक करें। शिमर को अपनी स्किन पर लगाएं और ये चमकती है और आपका टैन अब इवन और गोल्डन होगा। फ्यू, यहाँ तो बहुत धूप है, मुझे आराम करना होगा। अब ये बेहतर है। मैं अपना मेकअप मैजिकल लंच के बाद फिक्स कर सकती हूँ। बटरफ्लाई लिपस्टिक बढ़िया रहेगी। पिघली हुई शिमर लिपस्टिक को एक खाली ट्यूब में डालें। इसे सख्त होने दें। इसके ढक्कन को गुलाबी रंगें और उसी रंग की बटरफ्लाई को ऊपर लगा दें। ढक्कन को सिल्वर कैमियो से सजाएं। इसे क्लियर नेल पॉलिश से कोट कर दें। ये लिपस्टिक तो बहुत ही लाइट और जादुई है।
और सारी फेरीज पे ये रंग बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया बटरफ्लाई, तुम बहुत हेल्पफुल हो। अब तुम उड़कर वापस घर जा सकती हो। मरमेड अपनी डेट के लिए तैयार हो रही है। उसे लिपस्टिक का एक शेड उठाना होगा। ये बहुत ही पीला है और ये बिल्कुल सीवीड की तरह दिखता है। ये सब बेकार है पर ये बहुत बढ़िया है। एक लिपस्टिक के ट्यूब को गुलाबी रंग दें। इसे सुपर ग्लू से कोट कर दें। इसके ऊपर सीक्वेंस, बीज और टाइनी पेबल्स का मिक्सचर स्प्रिंकल कर दें। दो राउंड सी शेल्स को सुनहरे एक्रिलिक पेंट से कोट कर दें। इसमें से एक को हॉट ग्लू से फिल करें और इस पर बहुत सारी चमकीली छिड़कें। बीच में एक पर्ल लगाएं, दूसरा सी शेल लगा दें। लिपस्टिक कैप से पीस को लगा दें। और ये लिपस्टिक पर्ल कलेक्शन से आपके होठो को डिफाइन करेगी, पानी में भी और जमीन पर भी। अब मैं जा सकती हूँ। उप्स, मैं अपनी पूंछ उतारना तो भूल ही गई। मैं वहाँ पर चल के जल्दी जा सकती हूँ। और मरमेड को एक और पॉइंट मिल गया और स्कोर है 2-2 और सब विजेता है। क्या आपको हमारी जादुई मेकअप बैटल पसंद आई? तो हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपको कौन सा मेकअप ज्यादा बढ़िया लगा, मरमेड का या फेरी का। और हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं।